देखो बच्चे, व्रत के समीकरण पर आधारित और क्वेश्चन हम करते हैं। कहते हैं उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र अल्फा कॉमा बीटा है और एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। तो केंद्र के निर्देशांक अल्फा बीटा है, जिसे हम एच के कहते हैं, दिया हुआ है। व्रत के समीकरण के लिए केंद्र के साथ त्रिज्या के मान की जरूरत होती है। तो त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है तो उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। लेकिन सवाल की शर्त है कि एक्स अक्ष को व्रत स्पर्श करता है। तो देखो जो हमने चित्र बनाया, हमने व्रत ऐसा बनाया जो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो इसका केंद्र सी अल्फा कोमा बीटा है। तो केंद्र के दृष्टांक अल्फा कोमा बीटा का मतलब है कि मूल बिंदु से जहाँ ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ बिंदु बी पे, तो यहाँ तक की दूरी अल्फा हो गई और ये ऊंचाई बीटा हो गई। तो जो बच्चों सी से पी तक की ये दूरी जो बीटा हो गई, यही व्रत की त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या हो गई आर बराबर बीटा। अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। त्रिज्या ज्ञात हो गई तो x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर आर स्क्वायर से। तो देखो h का मान अल्फा लगाया, k का मान बीटा लगाया और त्रिज्या का मान बीटा। अब चाहे तो आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, ये वृत्त के समीकरण का मानक रूप है, या इसको ऐसा ऐसा करें कि होल स्क्वायर खोल के लिखें। तो हमने होल स्क्वायर खोल दिया और होल स्क्वायर खोलने के बाद बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो वृत्त का समीकरण बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स अल्फा माइनस टू वाई बीटा प्लस का ये अल्फा स्क्वायर बराबर जीरो। ये वृत्त का समीकरण हो गया। इसी पर आधारित बच्चों एक क्वेश्चन ये है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों से ए और बी लंबाई के अंतर का निर्धारण करता है। तो देखो हमने एक ऐसा वृत्त बनाया जो ये मूल बिंदु ओ जीरो जीरो से जा रहा है और एक्स अक्ष पर ए लंबाई का अंतर काटना है उसे, और वाई अक्ष पर उसे बी तक की बी लंबाई का अंतर काटना। अब ये वृत्त का जो केंद्र है, इसके जब हम निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे कि हमने वृत्त के केंद्र से जो ये जीवा बनी कोए जिसकी लंबाई एक है, हमने वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला। और हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे जब लंब डाला जाता है तो हाई स्कूल में प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करने के हिसाब से बच्चों ओ से एम तक की दूरी और एम से ए तक की दूरी आधी आधी बढ़ जाएगी। तो ये पूरी दूरी ओ से ए तक ए है, तो ओ से एम तक की दूरी ए वाई पर हो गई। इसी प्रकार हमने वृत्त के केंद्र से जीवा ओ बी पर लंब डाला और ये भी आधी आधी बढ़ गई दूरी बी वाई टू बी वाई टू। तो ये एक्स अक्ष पे क्षैतिज दूरी हो गई केंद्र तक की ए वाई टू और ऊर्ध्व दूरी हो गई एम से सी तक बी वाई टू। तो केंद्र के निर्देशांक हो गए एक्स अक्ष की दूरी ए वाई टू और वाई अक्ष की दूरी बी वाई टू। तो केंद्र के निर्देशांक मालूम पड़ गए ए वाई टू बी वाई टू। अब हमें चाहिए त्रिज्या। तो देखो हमने मूल बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाया, तो ओ से सी को मिला दो तो ये वृत्त की त्रिज्या बन गई और तुम्हारा जो संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है ओ एम सी, इसमें आर जो है वृत्त की त्रिज्या अनुकरण हो गया, ए वाई टू आधार बी वाई टू लंब हो गया। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ओ एम सी में देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण है आर तो आर स्क्वायर आधार ए वाई टू लंब बी वाई टू। इसे हल करोगे वृत्त की त्रिज्या आ गई आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे दो। तो त्रिज्या मालूम पड़ गई, ये केंद्र हो गए एच के। तो वृत्त का समीकरण हो गया एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर आर स्क्वायर। तो हमने इसमें देखो एच और के की वैल्यू लगाई तो बराबर में आर की वैल्यू लगाई। अब चाहे तो ये मानक रूप में इतना ही आंसर रहने दो, या हम इसको और करना चाहें तो इसके वर्ग खोल के वृत्त का समीकरण और हल करके व्यापक रूप में बना सकते हैं।